बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। तो बारिश के बाद महंगाई का झटका, जी हां, बारिश के बाद अब रोहतक में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। 15 दिनों में 10 गुना टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, यानी खाने की थाली से बिल्कुल साफ होते टमाटर और सब्जियों के भाव ने भी बिगाड़ा रसोई का पूरा आंकड़ा। जी हाँ, टमाटर तो अब तक महंगे थे ही, अब सब्जियां जो है वो भी महंगी हो चली है। बारिश के बाद महंगाई का झटका, रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, 15 दिनों में 10 गुना बड़े टमाटर के दाम। सब्जियों के भाव ने रसोई का 150 रुपए किलो के खाए जा भाई, बिल्कुल खाओ 150 रुपए किलो के, कुछ भी ले ले वो नहीं हो रहा भाई। ये वो पछे ने बोला था, नहीं बोला टमाटर की जगह गेवर ले जाओ, सस्ता है तो भाई क्या करे गरीब आदमी का, बस की सब्जी खानी रही। टमाटर का भाव बढ़ना गलत है, क्योंकि टमाटर एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो घर में चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए, लेकिन जो इतनी बारिश हो रही है ये 3-4 स्टेट्स के अंदर, उसकी वजह से लगता है कि ये भाव ऊपर जा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दी से नीचे आएंगे क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। टमाटर का भाव 150 रुपए किलो है। तो आपने टमाटर खरीदा? खरीदा तो है सर, हिम्मत करके। अच्छा। बहुत मुश्किल से 1.5 किलो, लेकिन टमाटर हमने खाने के लिए नहीं, रखने के लिए खरीदा है। अच्छा। इसको सजा के रखेंगे मेहमानों को दिखाने के लिए कि भाई हम टमाटर खाते हैं। अच्छा। लेकिन खाना तो मुश्किल है ना, देखो टमाटर चल रहा है 140-150 रुपए किलो। कारण तो पीछे फसल ही कम है जी, आए बहुत कम रहा है, 10 गाड़ी आ करती, 2 गाड़ी लग लग रही। ये कह रहे व्यापारी महंगा बेच रहे हैं पीछे? ना ना, व्यापारी कोई महंगा नहीं, आजकल तो ऑनलाइन बोली चल रही है, सोलन में जाओ ऑनलाइन बोली है, सब बोली करके बेचते हैं आजकल। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, लगातार हो रही बारिश, मौसम खराब बना हुआ है, प्रलय की स्थिति लगातार बनी हुई है, इधर इस बारिश की वजह से सब्जियों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई उनके दामों में, महंगाई आसमान छू रही है। बिल्कुल अंजलि, देखिए बाढ़ के कारण और बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ में जो है टमाटर ने लोगों का जो है जीना दुर्भर कर दिया है ऐसे में, क्योंकि टमाटर के रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर 10 दिन की बात करूं तो लगातार 10 गुना जो है टमाटर के रेट बढ़ गए हैं। अभी मैं दिखाना चाहूं तो ये देखिए, रोहतक की सब मंडी है, जो छोटी मंडी जिसको कहते हैं, बड़ी मंडी में से लेकर यहां पर जो है सब्जी बेची जाती है, अक्सर यहां पर जो है गांधी कैंप में ये मंडी लगती है, लेकिन टमाटर जो है इस मंडी से नदारद ही दिखाई देगा, क्योंकि इक्का दुक्का ही दुकानदार के पास टमाटर दिखेगा, क्योंकि टमाटर के भाव इतने महंगे हो गए हैं कि लोग 20 बार खरीदते वक्त सोचते हैं आज का भाव क्या है। ये भी पहले सब्जी विक्रेता से बात करेंगे, लेकिन पहले एक आंटी है उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, क्या खरीदने आए हैं आप? टमाटर लेना था मगर ले नहीं रहे, बहुत महंगे है। क्या क्या भाव बोल रहे हैं? 400 रुपए किलो बोल रहे हैं टमाटर। 400 रुपए? 200 रुपए? 200 रुपए किलो। अच्छा, 200 रुपए मतलब ये, और सब्जी मंडी में 150 रुपए दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो रेडी वाले या फड़ी वाले हैं वो 200 रुपए दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी कैसी अपने आप को जरा? बहुत मुश्किल हो रहा लेना हर चीज, जो चीज लेने आओ बहुत महंगी मिलती है, ये जो ले नहीं पा रहे हम लोग। कारण क्या, कारण क्या बताया जाए? कारण की बहुत महंगी चीज, वो चीज साफ भी नहीं है। देखिए बारिश के कारण जो है ये, देखिए टमाटर के रेट देखिए इतने हैं, क्योंकि इतने इतने महंगे होने के बाद जो है 20 बार सोचना पड़ता है आखिर टमाटर खरीदे कि नहीं खरीदे। और भी जो है सब्जी इतनी महंगी हो गई है, पहले एक और नौजवान है उनसे बात करेंगे। क्या खरीदने आए थे आप, थोड़ा सा इधर इधर करें, क्या खरीदने आए थे सर? मैं सब्जी खरीदने आया था, पहले इतने बड़े बड़े थैलों में लेके जाता था, अभी ये छोटी छोटी पोटलियों में ले जानी पड़ रही है। शिमला मिर्चा एक हफ्ते के अंदर 140 रुपए किलो होगी, पहले 30 रुपए किलो मिल रहा था। अदरक 400 रुपए किलो, अपना टमाटर देखो, क्वालिटी देखो टमाटर की, ये 200 रुपए किलो। पहले कितना साफ सुथरा टमाटर हमको 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा था, कहीं है ही नहीं मार्केट में, सारे सामान महंगे हो गए हैं। तो 20 बार सोचते हो? सोचना पड़ेगा, पहले पूरी गाड़ी पे लोड करके लेके जाता था, मेरा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के भी ये सामान लेके जा रहा हूँ देख। अच्छा, ये बताएं कि पहले जो है मई के महीने में यही टमाटर 10 से 15 रुपए किलो के भाव से बिकता था, अब जो है जुलाई के महीने में, मतलब कुछ दिन ही हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, इतना भाव ऐसे बढ़ गए, कारण हमें क्या पता सर, हम थोड़ी उगाते हैं टमाटर, ये तो मंडी वालों को पता होगा कहाँ से टमाटर उगाते हैं, कौन उगाते हैं,
फसल खराब हो गई है, बारिश की वजह से हुई है, हमें आइडिया नहीं है ना, हम तो लेने आते हैं, हमको तो महंगा मिल रहा है, हमको वो चीज पता है कि जस्ट ट्रिपल चार गुना रेट हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, चार गुना रेट जो है बताए जा रहे हैं, हालांकि एक सब्जी विक्रेता है उनसे बात कर लेते हैं कि सब्जी क्या भाव है, सब्जी के भाव क्या क्या है आज के, टमाटर के बताए। टमाटर के 200 रुपए हो गए, 200 रुपए टमाटर है आज का, आज का 200 भाव है, लेकिन लोग तो नहीं खरीद रहे होंगे, लेने वाले ले रहे हैं तो कुछ व्यक्ति नहीं ले रहे, 100 में से 75 नहीं ले चुके, 25 रुपए ले रहे हैं, 25% लोग जो है वो टमाटर ही खरीद पा रहे हैं। अच्छा, और सब्जी क्या भाव है, और सब्जी भी महंगी हो गई है? नहीं, धनिया महंगी हो गई है, खीरे महंगे हो गए, आलू प्याज हो गए, अदरक 400 रुपए हो गया, जो चाइनीज खीरा था 40 था, 60 रुपए हो गया है, ये भाव है सब्जी का। गोभी का क्या भाव है? गोभी 120 है, हाँ, जो 40 रुपए था आज 120 रुपए हो गया। तो जितनी भी सब्जियां थी वो सारी क्या बता क्या जा रहा है, क्योंकि आप मंडी में जाते हैं ज्यादा समझ ये तो मंडी वाले जानते हैं, बड़ी मंडी से लाते हैं, बोलते हैं बारिश की वजह से मंडी सब्जी आ नहीं पा रही, लेकिन मेरी बहुत सी सब्जी भी आई भी नहीं है, पैसे भी दे रहे फिर भी नहीं आ। तो देखिए, ये दुकानदार थे, दुकानदारों का साफ तौर पर अंजलि यही कहना है कि जो है ये सब्जी मंडी में से सब्जी खरीद कर लाते हैं, 150 रुपए का भाव इनको मिला है, लेकिन 50 रुपए जो है यहाँ पर ये ग्राहकों से लिए जाते हैं, तो 200 रुपए का भाव से जो है अब ये सब्जी जो टमाटर है जो वो बेच रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना कि हर सब्जी जो है वो महंगी हो गई है, खीरे जो 30 रुपए बिकते थे अब 60 रुपए के भाव से जो है किलो के भाव से बिक रहे हैं, गोभी जो है 120 के भाव से जो है वो बिक रही है, तो हर जो सब्जी जो है उसका रेट बढ़ गया, लेकिन लगातार टमाटर ने जो है कहीं ना कहीं इनका बजट बिगाड़ दिया है, लोग जो है रोते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर महंगाई को पोसते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर जो है ये महंगाई कहां तक जा पाएगी, क्योंकि टमाटर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में जो अब बाढ़ की स्थिति जो है बनी हुई है, क्योंकि लगातार मानसून की बारिश जो है वो चल रही है, और ऐसे में जो है सभी नदियां जो नाले हैं वो उफान पर हैं, तो कहीं ना कहीं और भी जो है इनको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो है सब्जी और भी महंगी होती दिखाई देगी, क्योंकि इनकी जो थाली से जो है सब्जी अभी भी नदारद दिखाई दे रही है, कुछ लोग हैं जो पहले सब्जी खरीदते थे अब जो पहले एक एक दो दो किलो जो है सब्जी खरीदते थे अब वो आधा किलो या पाया ही सब्जी जो है पाव सब्जी ही खरीद पा रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना कि परिवार का बजट भी देखकर चलना पड़ता है और भी बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उससे लगता है कि आमदन कम और जो है खर्चा जो है ज्यादा होता जा रहा है, तो ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है अपने आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और कहीं ना कहीं अपने अपने जो चीजें थी रोजमर्रा की चीजें उनको कम करके अपने जो स्वाद था उनको कम करके जो है कहीं ना कहीं अब उनसे बसते जो है नजर आ रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल। तो महंगाई का दंश यहाँ पर ऐसा कि एक तरफ बाढ़ से लोग परेशान है, दूसरी तरफ इसी की वजह से हो रही जो बढ़ती महंगाई है, क्योंकि सब्जियां नष्ट हो गई है, इसकी वजह से इसका असर जो है लोगों की थाली तक किचन तक आ पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें जो है वो रोहतक से देख रहे थे।